नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। झारखंड अब तक लाइव में आपका स्वागत है। हमने आपको देर रात को एक दिन पहले ही सूचना दे दिया था कि किस प्रकार से रांची में पारा शिक्षकों के साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई थी। आज हम विश्लेषण करेंगे पूरी घटना पर, कैसे सब कुछ हुआ, आगे सरकार क्या करने वाली है और पारा शिक्षक अब आंदोलन अनिश्चित काल जो कर दिए हैं वो क्या रणनीति के तहत किया गया है। कई लोगों ने अपने हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपने नाम सहित उन्होंने लिखा है कि पारा शिक्षकों के ऊपर की गई कार्रवाई जो है वो गलत है। सभी लोगों का कमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी प्रकार से अपने ब्लॉग का नाम, अपना नाम लिख करके कमेंट करते रहेंगे। कुछ लोगों के चुनिंदा कमेंट को आज हम बताएंगे आपको। साथ ही साथ कुछ व्यूअर ने यह भी लिख रखा है कि आप ज्यादा ध्यान पारा शिक्षक के न्यूज पर ही क्यों देते हैं और बाकी चीजों पर नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है, हमने सभी सेक्टर से न्यूज आपको भेजते हैं, जनरल नॉलेज के बारे में भी भेजते हैं, लेकिन पारा शिक्षक का ज्वलंत मुद्दा है और ये हमारे चैनल को लगता है कि ये हक की लड़ाई है उनकी, इसलिए हमारा चैनल इस चीजों को प्रमुखता से दिखाता है। एक दो लोगों ने ये भी कमेंट कर रखा है कि आपके यहाँ पर एडमिशन लिया गया था फिर हमारी अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई। आप काइंडली इस प्रकार के जो मैसेज करते हैं वो आप आकर के संस्थान में बात करेंगे, क्योंकि झारखंड में सबसे अच्छा रिजल्ट यहीं का होता रहा है अभी तक। तो आपकी इस प्रकार से पर्सनल तौर पर अगर किसी से दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में करके अपना समय और हमारा समय नष्ट नहीं करेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हम आपकी कि पारा शिक्षकों के साथ जो कुछ भी हुआ वो घटना और जो आलम था ये चौंका देने वाला था। ये किसी को विश्वास नहीं था कि सरकार इस प्रकार का कदम उठा सकती है और वो लाठी चार्ज कर सकती है, 6-7 राउंड फायरिंग करवा सकती है, आंसू गैस का गोला दाग सकती है। ये किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन हम आपको पूरी घटना का आज विश्लेषण करेंगे कि ये पहले ही तय हो गया था। पहले इन द सेंस हुआ कि 29 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक जो आंदोलन हुआ था पारा शिक्षकों का, उसी वक्त में तय हो गया था कि पारा शिक्षक जो है वो इस बार बड़े रूप में अपना आंदोलन करेंगे। सरकार इसके लिए जितने भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष थे पारा शिक्षक एकीकृत संघर्ष मोर्चा के, उनको एक प्रकार से हिरासत में लेकर के रखा था। और हमारी बातचीत फोन लाइन पर जब संजय मिश्रा से हुई जो कोल्हान के अध्यक्ष हैं और सुमित तिवारी से हुई जो पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष हैं, तो उन्हें 12 नवंबर से ही थाना में बैठाया गया था। 15 नवंबर को 3:30 बजे उन्हें वहां से छोड़ा गया था। तो पुलिस ने पहले से तय कर लिया था कि जिस प्रकार से पारा शिक्षकों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो काला झंडा दिखाएंगे, ये भनक सरकार को लग गई थी और सरकार इसमें धरपकड़ करने की योजना बनाई थी। इसलिए हमारे चैनल को ऐसा लगता है कि पारा शिक्षकों को काला झंडे दिखाने की पूरी योजना को गुप्त रखना था। इसे जिस प्रकार से हाईलाइटेड कर दिया गया और इसके बाद सरकार जो थी वो एक्शन में आ गई और अलग अलग स्थान पर अभियान चला करके, आप अलग अलग रीजन में हाईवे में पुलिस ने चेकिंग लगाया, SDPO स्तर के पदाधिकारी वहां पर चेकिंग किए और उन्होंने लोगों को पारा शिक्षक जब देखे तो उनको वहीं से उतार लिया, आई कार्ड देखा गया। तो इसके बावजूद भी जो पूरी स्थिति बनी है ये आज हम बताएंगे कि रांची में 216 पारा शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है पारा शिक्षकों की लिस्ट मंगाई गई है कि जो लोग अब्सेंट थे स्कूल में बिना CL का आवेदन दिए हुए अब्सेंट हो गए थे उन्हें भी बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। हालांकि पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के नेताओं का कहना है कि वो इसमें कहीं भी हिचकने वाले नहीं है, वो इस कड़ाई से नहीं डरेंगे, उनका आंदोलन अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। ये हमारी बातचीत जब देर शाम को हुई कई नेताओं के साथ उन्होंने ये कहा। अब आपको हम बताते हैं कि कैसे ये सारा कुछ हुआ, सरकारी काम में बाधा का जो आरोप लगा है। उसके पहले हम कुछ लोगों का मैसेज आपको बता दें। बिलाल अहमद है, रामानुष तिथि है, मंजू गोप, अमन सवैया, अनुज मिश्रा, कमल खान, शिवा पांडे, आशुतोष मरंडी, इन्होंने हमारे तक कमेंट बॉक्स में लिख के रखा, हमारे मैसेज बॉक्स में, कि
जो सरकार है वो निर्दयी हो गई है और जिस प्रकार से वो काम कर रही है ये शोभा नहीं देता है। एक और तो छत्तीसगढ़ में सरकार ने स्थायीकरण कर दिया है और हमारे मुख्यमंत्री भी छत्तीसगढ़ के ही है, तो यहाँ उनको जरूर सोचना चाहिए कि पारा शिक्षकों को ही पैसा देने में इतनी क्यों दिक्कत आ रही है। सारे विभाग में खर्च हो रहा है, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, तो सिर्फ ये 67,000 पारा शिक्षक ही क्यों निशाने पर है और उन्हें क्यों इतना बुरी तरीके से दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। इसी प्रकार से KYC पिट्टू, जन्मेजय कुमार, लक्की, ममता, अलई अहमद, शिवनाथ रजक, सोमनाथ, संजय कुमार, सोनू कुमार, जगदीश जैकिल, ये सारे लोगों ने लिखा है कि हम लोग आने वाले चुनाव में सरकार को अब सहायता नहीं देंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग लगातार सरकार को सहायता देते थे तो हम लोगों ने ये सोच लिया था कि बीजेपी इतना अच्छा सरकार है, लेकिन अब लगता है कि परिवर्तन का समय आ गया है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। एक बार फिर से आपको बता दें कि आप बड़ी संख्या में हमें हमारे पास कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि पूरा ये काला झंडा दिखाने तक का जो रणनीति बनाई गई थी कैसे सफल हुआ ये रणनीति काला झंडा दिखाने का। तो जैसा कि पहले ही सभी अखबार में न्यूज चैनल में दिखा दिया गया था कि 15 नवंबर को अगर सरकार उनके यानी कि पारा शिक्षकों के समर्थन में अगर फैसला नहीं लेगी तो फिर काला झंडा दिखाया जाएगा, नहीं तो अगर लेगी तो जय जयकार किया जाएगा। तो सरकार तो नहीं लेना था तो उन्होंने पहले से चेकिंग अभियान शुरू कर दिया और अलग अलग इलाके में पारा शिक्षकों को नजरबंद कर दिया गया, हिरासत में ले लिया गया, उन्हें बॉन्ड साइन करवा लिया गया, शिक्षा निदेशक के स्तर से कड़ाई किया गया और एक 3-4 दिन पहले खबर चला दिया गया कि 2000 से लेकर के 300 रुपए तक की बढ़ोतरी की जाएगी। पारा शिक्षक इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे तो सरकार को यह अंदाजा था कि सारे लोग रांची आएंगे। तो अब देखिए सरकार ने एक एक स्थान पर चेकिंग की थी, वहां हमारे रिपोर्टर भी थे, कई रिपोर्टर को चोट भी आई है वहां पर। तो जब सम्मेलन शुरू हुआ उसके बाद अंदर ग्राउंड के अंदर जो कुर्सियां लगी हुई थी वहां पर एक एक व्यक्ति का आई कार्ड देखना शुरू किया गया और उसमें जब पता चला कि ये पारा शिक्षक हैं तो उनको पुलिस बाहर ले जाकर के पीटने लगी। और इसी बीच में जो बाहर में पारा शिक्षक थे जो पहुंच गए थे वहां पर सैकड़ों की संख्या में वो वहां धरना देना शुरू कर दिए। जो जहां थे जैसे खबर गया वहीं पर धरना में बैठ गए। तो यहां तक तो सारा कुछ ठीक था और पुलिस को लगा कि अब जो रैफ के जवान थे वो आश्वस्त हो गए कि जहां पर सम्मेलन हो रहा है राज्यपाल मौजूद है, तमाम मंत्री है, मुख्यमंत्री है, तो यहां पर पारा शिक्षक अब नहीं है एक भी। और इसके बाद जैसे ही पहले तो कार्यक्रम स्थल से बाहर ले जाया गया था ऐसा आपको बताए, और जैसे ही मुख्यमंत्री ने भाषण देना शुरू किया तो सबसे पीछे वाली जो दो लाइन थी उस पंडाल का उस पीछे वाले लाइन में पारा शिक्षक बैठे हुए थे। तो जैसे ही मुख्यमंत्री ने बोलना शुरू किया लगभग उनकी भाषण हमको लगता है कि 4-5 मिनट ही हुआ होगा कि पारा शिक्षकों ने वहां पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमारी मांगे पूरी करो, सरकार के अगेंस्ट में उन्होंने जो स्लोगन था बोलना शुरू कर दिया और काला झंडा निकाल लिया और अफरा तफरी मच गया। इसके बाद पारा शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज शुरू हो गया, उन्हें पकड़ा गया, कुर्सियां पारा शिक्षकों ने भी तोड़ दिया वहां पर, दोनों ओर से काफी जबरदस्त हुआ। और बाहर उसके बाद जो आलम था कि सारे लोगों को पीटा गया, जो कवरेज करने वाले पत्रकार थे उनके ऊपर भी लाठी बरसाई गई, कैमरा छीना गया, लेकिन हालांकि देखिए बाद में कैमरा तो लौटा दिया गया था लेकिन उसकी कई फुटेज भी डिलीट कर दिया गया था। तो ये सारा चीज जो है इसकी निंदा डॉक्टर अजय कुमार ने किया है, हेमंत सोरेन ने किया। हेमंत सोरेन ने कहा है कि पारा शिक्षकों के साथ जो अन्यायपूर्ण चीजें हुई हैं इससे सरकार की हताशा पता चलती है। और कांग्रेस ने कहा है डॉक्टर अजय कुमार ने कि जिस प्रकार से ये सारा कुछ हुआ है सरकार के पास अरबों रुपया है और पारा शिक्षकों को वो नहीं देना चाहती है। हालांकि सरकार ने यह कहा कि पारा शिक्षकों को कांग्रेस और JMM ने सह देकर के आंदोलन कराया है, सभी लोगों के ऊपर में जो पारा शिक्षक थे उनके ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दायर कर दिया गया है
और जो टीचर गायब थे उनके ऊपर भी अब मुकदमा चलेगा, यह स्पष्ट हो गया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। हमारे पास और भी दूसरी सूचना आ रही है कि जो 30 घायल पारा शिक्षक हैं, 15 पुलिसकर्मी को भी चोट आई है, तो वहां से भी FIR दर्ज करवाया जा रहा है। हालांकि पत्रकारों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ इसकी निंदा की जा रही है। रैफ के जवानों को चिन्हित किया जा रहा है फुटेज देखकर कि उन्होंने पत्रकारों को क्यों पीटा, क्योंकि पत्रकार तो इसकी वीडियो फुटेज बना रहे थे और इसको उसको वहां पर संकलन करने गए थे न्यूज को। अब आपको हम बताते हैं कि सरकार ने अनिश्चितकालीन धरना को अभी गंभीरता से नहीं लिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उनके पास विकल्प के तौर पर टीचर है वो सारा कुछ हो जाएगा, क्योंकि स्थापना दिवस में जो नौकरी के लेटर दिए गए हैं उसमें 1385 टीचर को लेटर सौंपा गया है और 713 अमीन को दिया गया है और 20 जो थे वो राजस्व अधिकारी को, कर्मचारी को दिया गया है। तो ये फिलहाल जो हमारे पास सूचना आ रही है। हालांकि लोहरदगा, देवघर और हजारीबाग को 100% इलेक्ट्रिफाइड की घोषणा की गई और 1100 करोड़ रुपए का योजना का शुरुआत हुआ, 2200 करोड़ रुपया अलग अलग लोगों को दिया गया। सबसे ज्यादा पैसा जो है वो सखी मंडल को दिया गया है, 20,082 सखी मंडल को 42 करोड़ से अधिक रुपया दिया गया है। अब आपको हम बता दें कि सरकार के दिमाग में ऐसा सब कुछ चल रहा है कि अगर ये आंदोलन पारा शिक्षकों का लंबा चलता है तब तो कोई सुनवाई होगी, और फिलहाल गवर्नमेंट केस करके एक प्रकार से कमजोर करना चाहती है कि जो लोग इस आंदोलन में शरीक हैं या फिर जो लोग तोड़ना चाहते हैं वो स्कूल चले जाएं, और ये रणनीति है गवर्नमेंट की। हमारे हमारे कमेंट बॉक्स में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने कमेंट किया, सारे लोगों का नाम पढ़ना संभव नहीं है, कुछ चुनिंदा लोगों के मैसेज हमने रखे हैं। रिया, अजीत कुमार सिंह, अमित यादव, प्रियंका कुमारी, गणपति महतो, भीमसेन गोरे, दीपक कुमार, रंजीत कुमता और घटवाल आदिवासी महासभा, इन्होंने कहा है कि हम लोग तो बहुत उम्मीद किए थे सरकार से कि उनको अच्छा मिलेगा, लेकिन ये क्या लाठीचार्ज करवा दिया गया, कई टीचर को चोट आई है, अरेस्टिंग हुई है, तो ये सारा कुछ जो है ये सरकार की तानाशाही को दिखाता है। सारे लोगों ने इस वर्ग में कहा है कि वो सभी लोग अब सरकार के अगेंस्ट में खड़े हैं। इसी प्रकार से प्रदीप महतो है, लवकुश कुमार, प्रभु देव कैंडुल्ला, अहमद कुमार, दूसरे आनंद कुमार आनंद, शक्तिपद मुंडा, अफरोज खान, परवेज, अनिल पांडे, सारे लोगों ने मैसेज करके कहा है कि हम सरकार के साथ थे पहले, लेकिन अब लगता है वो समय की बदलाव होना चाहिए, दूसरी पार्टियों को मौका देना चाहिए, आदिवासी मुख्यमंत्री बनता तो ज्यादा अच्छा होता, कम से कम लाठीचार्ज तो आज तक नहीं हुआ। तो इस प्रकार से कई हमारे पास मैसेज आ रहे हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट होगा कि आप अपना नाम लिख करके अपने ब्लॉग का नाम, अपना नाम जरूर भेजिएगा। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो आप तक हम उसमें आपका नाम का हम प्रसारण करेंगे। लेकिन ये सारा कुछ जो है अब आंदोलन बड़ा हो गया, सरकार चाहती तो समय पर इसे रोक सकती थी और इस पर बातचीत करके इसका नतीजा निकाल सकती थी, लेकिन अब सरकार के लिए भी एक आने वाली बात हो गई है, प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है कि वो जब स्थापना दिवस तक मैंने झुकी तो इतना जल्दी कैसे मान जाएगी। पारा शिक्षकों के लिए भी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है कि अब आंदोलन अगर वो बीच में तोड़ देते हैं तो ऐसा लगेगा कि वो 7-8 हजार वाला जो पेमेंट है उससे वो खुश है, इसलिए दोनों ओर से अब आज तो अधिकांश स्कूल बंद हो गया। देखना है कि ये आंदोलन का असर अब आगे क्या होगा। हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।